हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। डीसी की प्रॉब्लम क्या है, क्यों ज्यादातर लोग मार्वल को डीसी के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा समझते हैं? देखो, पॉइंट ये है, सिर्फ हल्ला उड़ा है। डीसी की मूवीज अच्छी नहीं होती हैं, उनके कैरेक्टर्स में दम नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं, वगैरह वगैरह। देखो, सारे रूमर्स सही नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रूमर्स गलत भी नहीं होते। डीसी की मूवीज में कुछ प्रॉब्लम है, और ऐसा नहीं है कि मार्वल की मूवीज में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मूवीज के मामले में लोग डीसी को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। अब मैं वो जो तुमको दिखाऊंगा वो देख के तुमको लगेगा कि डीसी तो भला चंगा है, फालतू में बेचारा बदनाम पड़ा हुआ है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन बनी $300 मिलियन में, उसने कमाए $900 मिलियन। मैन ऑफ स्टील बनी $225 मिलियन में, कमाए $668 मिलियन। सुसाइड स्क्वाड बनी $175 मिलियन में और कमाए $750 मिलियन। वंडर वुमेन बनी $150 मिलियन में और कमाई $822 मिलियन। अरे तुम बताओ, प्रॉब्लम कहाँ पे है? लोग कहते हैं कि उसकी मूवीज अच्छी नहीं लगती, मगर लोग पिक्चर तो देखने जाते हैं। वैसे तो मैं भी बोलता हूँ कि मुझे भोजपुरी मूवीज अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन चुप चुप के देखता तो हूँ। और यहाँ मेन बात यह है कि डीसी मूवीज का प्लॉट यानी मूवी की स्टोरी लाइन खराब है या होती है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। मूवी क्रिटिक्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक जैसे तुम्हारे पड़ोस की आंटियां होती हैं। अगर वो तुम्हारे किसी अच्छी हरकत पे तुम्हें अच्छा कहती हैं तो तुम्हारी सोशल गुडविल बढ़ती है, और अगर तुम्हें बुरा कहती हैं तो क्या फर्क पड़ता है, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। मेन बात है, लोग इंटरटेन होने चाहिए और पिक्चर को पैसे कमाने चाहिए, तभी ना नाव आगे बढ़ेगी। जब मार्वल अपनी आयरन मैन मूवी की वजह से हिट हो चुका था और धप्पा धप्पा इसे छाप रहा था, तब 5-6 मूवी के लगातार हिट होने के बाद मार्वल का तो मूवी मार्केट में भौकाल था। और मार्वल का भौकाल देख वैनर ब्रदर्स को हुई खुजली, और उसने कहा कि मार्वल तो डिज्नी के साथ बड़े पैसे छाप रहा है। तभी वैनर ने ना देखा आओ न ताओ डीसी को पकड़ा और मूवी बनाना स्टार्ट कर दी। देखो, जल्दी का काम होता है शैतान का। उन्होंने अपनी स्टोरी लाइन और स्क्रीन राइटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मूवीज पे सुपर हीरो का टैग चिपका के रिलीज कर दी। हमने सोचा चलो मैन ऑफ स्टील पहली पिक्चर है, आगे चल के ठीक हो जाएगी। देखो, काम तभी खराब होता है जब आप कॉपी करना स्टार्ट करते हो। लेकिन नहीं, डीसी निकला मेरी तरह ढीठ और लगा रहा, और मूवीज का क्रिटिकल रिव्यू भी नीचे जाने लगा। और इसका परिणाम उन्हें तब मिला जब जस्टिस लीग मूवी उनकी उम्मीदों से नीचे काम करने लगी, और तो क्रिटिक्स ने भी उसे ज्यादा पसंद नहीं किया और ज्यादा लोग भी देखने नहीं गए। लेकिन खैर, मूवी ने तब भी अच्छे खासे पैसे कमाए, लेकिन सुपर हीरो गैंग की मूवी के बजट के हिसाब से उसने सिर्फ अपने अमाउंट का डबल ही पैसे कमाए। बस जैसे कि कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लोग कम उसे पसंद करते हैं, जैसे कि लैक ऑफ ह्यूमर, ये एक बड़ा इशू है। डीसी ने उनकी मूवीज के प्लॉट को लेकर इतनी सीरियस हो जाती है कि अपने डेली लाइफ की मस्ती मजाक को भूली जाती है, और मैं इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल नहीं हूँ कि तुम्हारे जोक्स को समझ सकूं। अ डार्क स्टोरी लाइन, कौन कहता है कि डार्क स्टोरी लाइन अच्छी नहीं होती है? हॉरर मूवीज को ही देख लो, फटके हाथ में आ जाती है, लेकिन तब भी देखने का मन करता है ना। टू मच फिक्टिशियस, अब तुम लोग बोलोगे कि मार्वल भी तो फिक्शनल है, तो ये कैसा एक्सक्यूज है कि डीसी मार्वल से ज्यादा फिक्शनल है और लोग उसे कम पसंद करते हैं? देखो, इसे भी समझाता हूँ। मार्वल का जो सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो अपना असली यूनिवर्स है, और जो डीसी का एक्सटेंडेड यूनिवर्स है वो अपना यूनिवर्स है ही नहीं, जिसकी वजह से मूवी रिलेटेबल नहीं लगती है। जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में कोई भी एक्स्ट्रा कंट्री, कॉन्टिनेंट या दूसरा स्टेट नहीं है, लेकिन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में ऐसा नहीं है। डीसी में बैटमैन गॉथम सिटी में रहता है, जो कि असलियत में है ही नहीं। सुपरमैन मेट्रोपोलिस में रहता है, जो कि वो भी असलियत में नहीं है। और ऐसे दर्जनों शहर हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के मैप पे हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है। जिसका मतलब ये है कि वहाँ की पॉलिटिक्स अलग होगी, वहाँ का पॉप कल्चर अलग होगा, पॉपुलेशन अलग होगी, फैशन अलग होगा। और ठीक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सब अपने जैसा है, जो अपने रियल लाइफ में अब तक हो चुका है वो सारी चीजें एमसीयू में देखने को मिलती हैं। मूवी को रिलेट करना भी बहुत बड़ी चीज होती है। देखो, एग्जांपल से समझाता हूँ, गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखने में क्यों मजा आया, क्योंकि हम उससे रिलेट कर पा रहे थे। मूवीज में जैसे गालियां देते हैं, हाथ में कटाई फट जाता है, ये सारी चीजें असलियत में होती हैं, जिसके कारण हमें मूवीज पसंद आती हैं। और ठीक यही चीज डीसी मूवीज में खटकती है, हम उनकी टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड को रिलेट ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन क्या इस चीज से कोई फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब तक मूवीज चल रही हैं, इससे नहीं फर्क पड़ता है कि मूवीज ज्यादा फिक्शियस हैं या मूवीज में ह्यूमर नहीं है।
जब तक आप अपनी जेब से पैसे दे के देखते रहेंगे तब तक मूवीज चलती रहेंगी। डीसी और मार्वल दोनों ही डिसेंट मूवी बनाती हैं। डीसी अभी अच्छे खासे पैसे बना रहा है और लोगों के बीच ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि डीसी मूवीज खराब होती हैं। भले ही उसमें कई दिक्कत है मगर ये बात नहीं है कि मार्वल से ये खराब है। कुछ भी हो, वंडर वुमन और हार्ली क्विन ऐसी कैरेक्टर्स हैं जो मार्वल के किसी भी मूवी कैरेक्टर से ज्यादा पॉपुलर है और मार्वल अब भी फीमेल ओरिएंटेड मूवीज नहीं बना रहा है और इसका फायदा डीसी उठा रहा है। तो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कहीं देख के अच्छा लगा, खुश हुई, मजा आया तो लाइक मारो इस वीडियो को, इस चैनल पर नया सब्सक्राइब मारो इस चैनल को। और क्या लगता है आपको डीसी में और क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लोगों को पता तो चले आपके पास कितना टैलेंट है। बी एंटरटेन्ड और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन्ड।